लातूर जिले के उदगीर में पशु वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर के उदगीर यूनिट में पिछले 30 सालों से कामगार की तरह काम कर रहे 15 कामगारों को 11 महीने के लिए डेली वेजेस पर काम पर लिया गया था, लेकिन पशु वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर के उदगीर यूनिट ने 5 कामगारों को वापस डेली वेजेस पर लिया, बाकी 9 लोगों को कैंसिल किया, जिस कारण इन कामगारों ने उदगीर के उपजिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। हमारी मांग है, हम 25 साल से काम कर रहे, 25-30 साल से इधर वेटरनरी कॉलेज में डेली वेजेस के ऊपर। अभी क्या होगा, हमारे को 11-11 महीने का ऑर्डर दिए थे उन्हें, पहले एक दो बार उपोषण को बैठे थे, बाद में क्या कर दिए, 11 महीने की भी ऑर्डर रख कर दिए। इसके लिए बाद में हमको ये मालूम हो गया, रद्द करने के बाद आके इधर बैठे उपोषण को डबल, अब उन्हें देने के बाद ही जुटने वाले हैं ऑर्डर, नहीं तो नहीं। आप हमारे उपोषण के लिए बैठे? हम यहाँ 1991 से काम करते हैं, कम से कम 30 साल से काम करते हैं हम यहाँ। हमारा वो मैटर चल रहा था शासन स्तर के ऊपर, वो कायम स्वरूपी ऑर्डर निकाले लगने के बाद ये जब तक हमको ये 11 महीने की ऑर्डर दे तो बोले, वो 11 महीने की ऑर्डर दे दिए, हम लेके आश्वासन दिए, उन्हें भी लेके आश्वासन दिए हमको, हम भी दिए थे, वो क्या 12 दिन रखे ऑर्डर वो हमारी 11 महीने की, और 13 दिन के बाद कैंसिल कर दिए, और ये हमको लेके आश्वासन दे के भी उन्हें हमको न्याय नहीं दे रहे। अभी क्या मांगे आप? अब हम हमारी मांग यही है कि 11 महीने जब तक हमारा ये मसला ख़त्म नहीं होगा तब तक ये हमारे को 11 महीने की ऑर्डर दिए तो अच्छा है, जब तक हमको ये ऑर्डर नहीं देते तब तक हम ऐसे उठेंगे नहीं। आपका नाम? मारुति काड़वा जाधव। पद क्या है आपका? पद पशु परिचर बोल के। पशु वैद्यकीय महाविद्यालय के यहाँ के हम कर्मचारी 1991 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबकी सेवा में लग के हम अभी तक मर रहे हैं, तो हमारा कोई न्याय नहीं कर रहा है। अभी जो विद्यापीठ ने जो पत्र भेजा है वही पत्रों से हमको एक 11 महीने के ऑर्डर दिए थे, मगर वो 12 दिन के बाद कैंसिल कर दिया है। वो क्यों कर दिया है? वो यहाँ पे ऐसा महसूल चल रहा है कि जो आदमी उनके ख्वाब में बैठे हैं उनके लिए रखा है, हमको 15 आदमी के लिए ऑर्डर देने के लिए उधर से पत्र भेजा था, तो वहाँ के 9 लोगों को कैंसिल कर दिया और 5 आदमी को वहाँ पे कायम रख दिया। यूँ क्यों कर रहे हैं? हमारे ऊपर न्याय करने का वजह से अन्याय कर रहे हैं ये लोग। क्यों, कौन कर रहा है? यहाँ का प्रिंसिपाल कर रहा है। क्यों, हम क्या उसके नज़र में गिरने वाले हैं क्या? गिर गए हैं आज तक हम, उनको हम उनकी सेवा कर के बुढ़े हो गए, अभी मरने के लिए अभी 4 दिन बाकी है, जब तक हमको 11 महीने का ऑर्डर नहीं देंगे तब तक हम यहाँ का संप उठाएंगे नहीं, हम यहाँ पे मर जाएंगे, मगर वो 11 महीने का ऑर्डर लेके ही रहेंगे। प्रभु पुंडलिकराव शिंदे, पशु परिचर लोग नहीं है, हंगामी मजदूर लोग है, पहले कृषि विद्यापीठ में काम करते थे, कृषि विद्यापीठ परभणी के अंदर, तो महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अलग हो गया उनसे, तो वो लोग ये विद्यापीठ में ट्रांसफ़र हो गए, हस्तांतरित हो गए। तो उनका जो डिमांड था पहले परमानेंट करो काम पे, तो वो डिमांड वही चालू है उनका, और यहाँ जो अपने यहाँ काम करते हैं लोग मजदूर संस्थे से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनका काम तो चालू है, लेकिन उनके डिमांड पहले से ही है कि हमको परमानेंट करो, तो वो बारे में महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर से हमारा पत्रव्यवहार चालू है, और उनकी डिमांड मंजूर हो जाएगी ऐसा हमारा रिकमेंडेशन है। पिछली बार वो दो बार उपोषण के लिए बैठे थे, वहाँ पे आदेश आया था आपके नागपुर विद्यापीठ से कि उनको 11 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाए, फिर वहाँ 5 लोगों को आपने लिया और बाकी के लोगों को? वो 5 लोग जो है वो काम पे थे ये कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट पे, तो दूसरे लोग काम पे नहीं थे, इसलिए उनका नाम विद्यापीठ की तरफ भेजे नहीं। और इनसे पहले जो कुछ लोग थे, मतलब ये पहले से काम करते हैं 1991 से, अभी तकरीबन 29 साल होता है उनको काम करते हैं, फिर भी आपके महाविद्यालय से उनको मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? महाविद्यालय से नहीं है, वो कृषि विद्यापीठ था पहले 2001 तक, परभणी के अंडर हम काम करते थे, अभी विद्यापीठ अलग हो गया है, तो वो विद्यापीठ में कुछ लोग वापस गए उधर काम करने का ऐसा
बोल के, और बाकी कुछ लोग उदगीर के एरिया के जो है वो ये महाविद्यालय के अंदर आ गए। अभी आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया है? मेरे ये महाविद्यालय की तरफ से उनका जो प्रस्ताव है, उनको जो डिमांड है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ भेजे वाला है, और थोड़े दिन में यूनिवर्सिटी से जो पत्रव्यवहार आएगा, जो आदेश आएंगे, वो हम उन लोगों को देंगे।